ये कहना कि हमारे किसी के संज्ञान में नहीं है, मैं ही मानता हूँ कि सबके संज्ञान में है। ना इस नगर निगम की मेयर को पता, ना यहाँ के पार्षदों को पता, और आज तक किसी ने बात नहीं करी। इन महाविषयों पर सच ही बोलना चाहिए, मतलब झूठ के पैर नहीं होते, और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए किसी को, सच बोलना चाहिए कि हमें मालूम था। कई महीनों बाद ये 27 करोड़ का होके और इसका इन्होंने वर्क ऑर्डर भी इशू भी कर दिया, मतलब टेंडर भी हो गया, उसके बाद वर्क ऑर्डर इशू हो गया। हमें मालूम है कि वो 27.5 करोड़ का टेंडर हुआ था जो NGT के आदेशों पर हुआ था, और जो हरियाणा सरकार चंडीगढ़ से वो अप्रूवल है, और उसका भुगतान भी सरकार ने करना है। ये पेमेंट चंडीगढ़ से होनी है या दिल्ली से होनी है, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इसका बोझ तो हमारे लोगों पर ही है। 27 करोड़ का काम नहीं हो रहा और उसकी हम पेमेंट करेंगे तो ये भी गलत है। 7 अप्रैल की 2021 में उसका ये समय ख़त्म होगा और वो अपनी पेमेंट को क्लेम करेगा, और निश्चित तौर पे वो पेमेंट लेके यहाँ से जाता रहेगा। जब वर्क ऑर्डर का नहीं पता लगा, इसी प्रकार पेमेंट का भी नहीं पता लगेगा, इसीलिए हमने ये आवाज़ उठा रखी है। देखो, मैं इस विषय पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता कुलवंत जी, ये विषय किसी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है, और मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार के विवाद सड़क पर आने भी नहीं चाहिए। मेरा यही कहना है कुलवंत जी, 47 को आपने 27 किया, किस आधार पे किया, ये भी सारे पार्षदों को पारदर्शिता से बताना चाहिए भाई। हाँ जी, हमने क्योंकि समाज के अंदर पार्षद रहते हैं, अधिकारी नहीं रहते। अगर हमारे से कोई किसी प्रकार की बात करता है, हम उसको बता सकें भाई 47 करोड़ का था और इस आधार पे हमने उसको 27 का करवाया, या हमारी सरकार ने इसको 27 का किया। पहले आप 47 करोड़ की बात कर रहे थे और अभी 27.5 करोड़ का है, तो ये 20 करोड़ रुपये जो एकदम से कम हुए हैं इस टेंडर के, ये 20 करोड़ किसकी जेब में जाने थे, ये हाउस की प्रोसीडिंग में। उस अधिकारी ने वो टेंडर 18 लाख का कर दिया, इनको पता है, इनको सारी जानकारी है उस विषय में। मैंने इनको कहा कि कार्य बीच में अटक रहा है, इसकी थोड़ी सी अनाउंसमेंट कर दी जाए तो ये कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के फाइल आज तक वहीं रखी हुई है। मतलब इस प्रकार की मानसिकता कि सही कार्य भी नहीं होने देना, और एक भी फाइल के ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन ना लगाया हो तो मैं भी इस्तीफा दे दूँ। कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, इसका फैसला मतलब हम नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। इशारों ही इशारों में भाजपा के पार्षद लोकेश नागरू को सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट ने नसीहत देते हुए कह ही दिया कि सड़क पर विवाद नहीं आना चाहिए और जो विवाद हो रहा है वो गलत है। साथ ही भट्ट ने ये भी कहा कि कौन सा अधिकारी ईमानदार है, कौन सा बेईमान है, इसका आंकलन नहीं किया जा सकता। दरअसल 27.5 करोड़ रुपए का जो टेंडर जारी हुआ है उसे मेयर और पार्षद गलत बता रहे हैं। साथ ही लोकेश नागरू कह रहे हैं कि जो टेंडर हुआ उसके बारे में ना तो मेयर को जानकारी थी ना ही पार्षदों को, जिसका पार्षद विरोध कर रहे हैं। पहले आपको लोकेश नागरू की सुनवाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ना तो मेयर को और ना ही उन्हें इस टेंडर के बारे में कोई जानकारी थी। 47 करोड़ रुपए का ये टेंडर हाउस के अंदर आया था, ये मुद्दा आया 47 करोड़ का। हम सभी पार्षदों ने इसके लिए हमने मना किया कि हमारे को पहले इसको क्लियर करो भाई 47 करोड़ किस प्रकार से लगना है। ये मामला दब गया, उसके कई महीनों बाद ये 27 करोड़ का होके और इसका इन्होंने वर्क ऑर्डर भी इशू भी कर दिया, मतलब टेंडर भी हो गया उसके बाद वर्क ऑर्डर इशू हो गया। ना इस नगर निगम की मेयर को पता, ना यहाँ के पार्षदों को पता, और आज तक किसी ने बात नहीं करी। 19/10 को इसका वर्क ऑर्डर यहाँ से इशू हो चुका है, जिसके ऊपर सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर भी हुए हुए हैं। आज से 15 दिन पूर्व हम लोग बैठे थे, हमारे को किसी पत्रकार बंधु ने ही बताया, मेरे को कहने में कोई शर्म भी नहीं है, उसने बताया भाई इस प्रकार से इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो नागरू जी उसमें क्या है। हमारे को किसी को नहीं पता था, हम लोग मौके पर गए, फिजिकली हमने चेक किया, और वहाँ पर जाकर मतलब ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई सरकार नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, तो बड़ा दुख भी लगा भाई 27 करोड़ का प्रोजेक्ट और वहाँ पर उन्होंने मशीनरी खड़ी की हुई है, उसकी कोई शेड नहीं, कोई उसकी प्रोडक्शन नहीं। उधर दुष्यंत भट्ट कह रहे हैं कि झूठ के पैर नहीं होते और इस टेंडर के बारे में सभी को जानकारी थी।
ये जो 27.5 करोड़ का विषय है ना जी, ये पार्षदों की सबकी नॉलेज में था। ये पहले 47.5 करोड़ का था, उसके बाद थोड़ा सा जनप्रतिनिधियों ने, हमारे ग्रामीण विधायक जी भी थे, शहरी विधायक जी भी थे, और कुछ पार्षदों ने भी इस पर ऐतराज जताया था, तो फिर इसको कम किया गया था। और जो यहाँ पर एक्शन थे उस समय जीपी वधवा, उन्होंने इसकी अनुमानित लागत 27.5 करोड़ रुपए बनाई थी। और ये जो टेंडर, जब ये बात हुई थी तो हाउस के अंदर योगेश डावर हैं, जो चंचल डावर के पति हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी भाई पहले आप 47 करोड़ की बात कर रहे थे और अभी 27.5 करोड़ का है, तो ये 20 करोड़ रुपये जो एकदम से कम हुए हैं इस टेंडर के, ये 20 करोड़ किसकी जेब में जाने थे, ये हाउस की प्रोसीडिंग में। तो मैं ही नहीं मानता कि किसी की जानकारी में इसका नहीं था। ये वो एक अलग बात हो सकती है कि उसके अनुरूप काम हुआ या नहीं हुआ, उतना काम वो ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। लेकिन ये कहना कि हमारे किसी के संज्ञान में नहीं है, मैं ही मानता हूँ कि सबके संज्ञान में है और सबको इन मविषयों पर सच ही बोलना चाहिए। मतलब झूठ के पैर नहीं होते और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए किसी को, सच बोलना चाहिए कि हमें मालूम था, हमें मालूम है कि 27.5 करोड़ का टेंडर हुआ था जो NGT के आदेशों पर हुआ था और जो हरियाणा सरकार चंडीगढ़ से वो अप्रूवल है और उसका भुगतान भी सरकार ने करना है। वहीं लोकेश नागरू ने विधायक प्रमोद विज द्वारा शहर में सस्ती लाइटें लगवाने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि लाइटें कंपनी की हैं, इससे वो संतुष्ट हैं, लेकिन उनमें इंस्टॉल करने का खर्च जोड़ा जाए तो ये पहले से भी ज्यादा महंगी लगेंगी, जिसका जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। हम फिर बोलते हैं और कईयों को ये लगता है, बोलना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को किसी का कोई दबाव नहीं, अगर दबाव आएगा भी तो आपका भाई इसमें सक्षम है, मेरे को किसी का डर नहीं है। हम बोलेंगे, जहाँ गलत होगा निश्चित तौर पे बोलेंगे, और सारे पार्षद इकट्ठे हैं, मेयर इकट्ठी है, उसके अंदर किसी बात का कोई संकोच नहीं है। लेकिन वही कहता हूँ भाई, आप उसको ट्रांसपेरेंसी से क्यों नहीं लेके आते हाउस के अंदर? मैंने, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हो बेशक देखना, मैंने कहा था, मैं कहा चीफ साहब इसको क्लियर करो, 1.66 करोड़ किस आधार पर बनता है, वो आज बताएंगे 1.66 करोड़। वो पोल भी मैंने बोला, इन्होंने मेरे को बताया था कि पोल लगने हैं, लेकिन वो धीमी सी आवाज़ में बोला था। मेरे को अब डर ये है कि अगर 30 पोल टोटल हैं तो फिर वो 1.66 करोड़ और 1.90 करोड़ जो ये बनेगा उसका प्रॉफिट समेत, तो वो किस आधार पे बनेगा? ये सस्ती लाइटें हुई, महंगी हुई, निश्चित तौर पर महंगी हैं, सस्ती क्यों हैं? लेकिन सिर्फ एक चीज़ की गारंटी है मेरे को, जो एक संतुष्टि है, देखो कुलवन जी, कि वो ओरिजिनल है और वो कंपनी से आ रही हैं, उसके ऊपर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पानीपत की स्टैंप लगी है, उसके अंदर आपको कल को ज़रूरत नहीं है कि लोकेश नांगरू को फ़ोन करके ठीक करवाने की, क्लियर आप कंपनी में कह सकते हो क्रम्पटन की कंपनी है और वो ठीक करेंगे। सिर्फ इस चीज़ की मेरे को संतुष्टि है, क्योंकि वहाँ पर 2 हमारे पार्षद गए थे, वो सारी चीज़ चेक करके आए, इसकी ट्रांसपेरेंसी मेरे को कॉन्फिडेंट हूँ। लोकेश नांगरू को डिप्टी सीनियर मेयर नहीं बनाया, क्या तभी नागरू एग्रेसिव लग रहे हैं? जब ये सवाल दुष्यंत भट्ट से किया गया, पहले तो वो इस मामले में बचते नजर आए, लेकिन बाद में जो जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। उनका कहना है कि सच उन्हें भी पता है और दुनिया को भी। महिपाल के मामले में भी भट्ट साहब की सुन लीजिए। उनका कहना है कि मीडिया के सामने नहीं बल्कि शीर्ष नेताओं के सामने बात रखूंगा। दुष्यंत का इशारा किसकी तरफ है ये भी सब जान गए होंगे। नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मतलब ये बेवजह है, किसी बात को तुल देने वाली बात होगी ये, ऐसा मतलब मैं इस विषय पर को मैं बता रहा हूँ कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सच अंदर से मुझे भी पता है, सच अंदर से हर किसी को पता है कि सत्य क्या है। इस चीज को कैसे देखते हैं कि अनिल वी साहब के पास कुछ पार्षद पहुंच जाते हैं, मेयर भी आपके वहां पहुंची है, ना तो विधायक की नॉलेज में, ना संजय भाटिया के एमपी के नॉलेज में, जबकि ऐसे मामले को ट्रांसफर करने के मामले में उनकी नॉलेज में होना शायद जरूरी होता है। नहीं, ऐसा नहीं, हर आदमी अपनी बात कहीं भी जाके रख सकता है जहाँ उसके संपर्क है, और अगर लोकेश जी या सारे पार्षद मान लीजिए वहाँ गए हैं किसी विषय को लेकर गए हैं, तो सोच समझ कर ही गए होंगे, कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई वो कोई सड़क छाप व्यक्ति हैं, संगठन के शीर्ष कार्यकर्ता हैं, और उनके तो परिवार में वैसे भी संस्कारवान परिवार है, और सभी पार्षद अगर वहाँ गए हैं तो अच्छे अपनी बात उन्होंने अच्छे से रखी है और उन्हें रखनी भी चाहिए, इसमें कोई वो मैं ये नहीं मानता कि वो गलत है।
नहीं कुलवंत जी, मैं इस विषय पर, मैं कहने कहा ना कि महिपाल के विषय पर कुछ बोलना ही नहीं चाहता, और यदि मुझे कुछ कहना भी होगा तो जहाँ अधिकारी हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं या और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, मैं उनके समक्ष अपने विचार रखूँगा। मैं मीडिया में मतलब ये बात रख के मैं बेवजह किसी मुद्दे को तूल नहीं देना चाहता। अधिकारी अधिकारी होते हैं और जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होते हैं। अल्टीमेटली हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और कोई अधिकारी सही है या गलत है उसका जो आकलन है वो मीडिया में नहीं दिया जाता। उसकी फीडबैक अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व को, अधिकार जो हमारे संगठन है उसको दी जाती है, और मैं वहाँ अपनी फीडबैक जरूर देता हूँ। देखो मैं इस विषय पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता कुलवंत जी, ये विषय किसी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है, और मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार के विवाद सड़क पर आने भी नहीं चाहिए। कौन ईमानदार है कौन बेईमान है इसका फैसला मतलब हम नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें किसी भी अधिकारी का आकलन, उसकी कार्य पद्धति और उसकी कार्यशैली और समाज में उसकी के बारे में ओपिनियन क्या है उस पर ही आकलन करना चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो विषय चल रहा है या ये विवाद चल रहा है ये कुल मिला के गलत है, और इस तरह की बातें सड़क पे नहीं आनी चाहिए। नगर निगम में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। जब विधायक प्रमोद विज चीफ इंजीनियर महिपाल के पक्ष में खड़े नजर आए तो लोकेश नागरू भड़क गए, और वो बिना विधायक को सांसद को बताए महिपाल के तबादले को लेकर मेयर व 23 पार्षदों के साइन की लेटर को लेकर अनिल विज के दरबार में पहुंच गए। उनके साथ 13 पार्षद भी मौजूद थे। नागरू ने सारी बात विच के सामने रखी। विच ने जांच व कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दरअसल नीमरी में बन रही डंपिंग स्टेशन के लिए जो टेंडर 47.5 करोड़ का होना था, ये सीधा 27.5 करोड़ का टेंडर हो गया। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है कि 20 करोड़ रुपए किसकी जेब में जाने थे। अगर पार्षद विरोध ना करते तो 47.5 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया गया था। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सीआरटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस, कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है। पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है House No. 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885।